अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मुझे सुन रहे हैं YouTube चैनल लर्न विद आईजे पर। आप इस चैनल पे पहुंच चुके हैं जहां पे आप बहुत सी इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको डिफरेंट वर्ड सीखने को मिलेंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे, किस सिचुएशन में आप किस तरह इंग्लिश बोल सकते हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी सीखने को आपको मिलेगी। आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों के इंग्लिश में नाम, हम डिफरेंट डिजीज़ को इंग्लिश में किस तरह बोल सकते हैं। नॉर्मल डिजीज़ का हमें ज़्यादातर पता होता है सभी को कि बुखार है तो हमने उसको फीवर बोलना है, खांसी है हमने उसको कफ बोलना है, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत से ऐसे वर्ड सीखेंगे जो बहुत कम लोग पहले से जानते हैं। जैसे कि हम मिर्गी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नकसीर फूटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लकवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम डिफरेंट बीमारियों के नाम जो है वो हम इंग्लिश में सीखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब बहुत से वर्ड जो हैं वो न्यू वर्ड सीखने जा रहे हैं, आप न्यू वर्ड सीखेंगे तो आप बाहर की दुनिया में न्यू वर्ड्स इंग्लिश में बोल सकेंगे। लगातार इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे रेड दिए गए बटन को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लर्न विद आईजे को। तो चलें आज का लेसन हम अपना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहली डिजीज का नाम है हमारे पास डायबिटीज, ज़ियाबेतस, जिसको नॉर्मली लोग बोलते हैं कि इसको शुगर हो गई है, तो उसका एग्जैक्ट वर्ड है हमारे पास डायबिटीज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास खांसी, जिसकी इंग्लिश है हमारे पास कफ, कफ। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास यरकान, पीला यरकान जिस तरह हो जाता है नॉर्मली, जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं, उसको हम इंग्लिश में इस तरह प्रोनाउंस करेंगे जॉन्डस, जॉन्डस। नेक्स्ट डिजीज का नाम है, वर्ड का नाम है हमारे पास कब्ज, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारे पास, अगर किसी को खून की कमी हो जाती है तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एनीमिया, एनीमिया। आप प्रैक्टिस करें कि आप साथ साथ मेरे साथ वर्ड्स बोलने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो आप वर्ड्स भी सीखे नए नए, साथ में अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास, अगर बच्चों को जो खसरा हो जाता है नॉर्मली, ठीक है, उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मीजल्स, मीजल्स। नेक्स्ट, अगर किसी को दमा हो जाता है, सांस की बीमारी जो होती है दमा, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एस्थमा, एस्थमा। नेक्स्ट है जी हमारे पास लकवा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉकजा, लॉकजा। नेक्स्ट वर्ड है मलेरिया, बुखार हो जाए इसको हम इंग्लिश में भी मलेरिया ही बोलते हैं, मलेरिया, मलेरिया। नेक्स्ट, अगर किसी को निमोनिया हो जाए, ठीक है, जो फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम इस तरह प्रोनाउंस करेंगे निमोनिया, निमोनिया। नेक्स्ट, अगर किसी को बवासीर हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइल्स, पाइल्स। नेक्स्ट, तपदिक, ठीक है, इसको जो बोलते हैं टीबी हो गया किसी को, उसका एग्जैक्ट पूरी उसकी जो है फॉर्म है वो है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, अगर गले पड़ जाते हैं, गले में इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सोर थ्रॉट, सोर थ्रॉट। नेक्स्ट, फालिज को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरालिसिस, पैरालिसिस। नेक्स्ट, चीचक को हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो बच्चों को नॉर्मली हो जाते हैं चीचक, आकड़ा लाकड़ा भी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट, टाउन की बीमारी जो कि चूहों से होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेग, प्लेग। नेक्स्ट, मिर्गी पड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं एपिलेप्सी,
एपिलेप्सी। नेक्स्ट, बुखार को इंग्लिश में बोलते हैं फीवर, फीवर। इसहार हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरिया, डायरिया। टाइफाइड बुखार को भी हम बोलते हैं इंग्लिश में टाइफाइड, टाइफाइड। नेक्स्ट, जो छाइयां पड़ जाती हैं नॉर्मली लड़की के फेसेस पे, उसको हम बोलते हैं फ्रेकल्स, फ्रेकल्स। बेख्वाबी, रातों को जागते रहते हैं जो लोग, जिन्हें नींद नहीं आती, उसको हम बोलते हैं इनसोम्निया, इनसोम्निया। नेक्स्ट, गंजेपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉल्ड, बॉल्ड। गिल्लड़ जो गले में पड़ जाते हैं, गिल्टियां जो पड़ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं गॉइटर, गॉइटर। पांव में अगर मोच आ जाए किसी के, उसको हम बोलेंगे स्प्रेन, स्प्रेन। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास, अगर किसी को दस्त लग जाते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मोशंस, मोशंस। नेक्स्ट, जो पीप वाले दाने निकल आते हैं फेस पे, उसको हम बोलते हैं पस, पस। अगर मुंह पे फोड़े बन जाएं, उसको हम बोलते हैं बॉयल, बॉयल। मुंह के अंदर जो छाले बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आबला बोलते हैं, जो हम छाले बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट, हैजे को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलरा, कॉलरा। खारिश को हम इंग्लिश में बोलते हैं इचिंग, इचिंग। जुकाम अगर हो जाए, ठीक है, किसी को जुकाम हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड, कोल्ड। पेचिश हो जाए किसी को, उसको हम बोलते हैं डायसेंट्री, डायसेंट्री। कोलंस या दर्द शिकम, जिसको हम पेट का दर्द बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिक पेन, कॉलिक पेन। पेट का दर्द, मेदे का दर्द, इसको हम बोलते हैं स्टमक एक, स्टमक एक। सर के दर्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेडेक, हेडेक। लंगड़ा अगर कोई हो, उसको हम बोलेंगे लेम, लेम। दिल के दर्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइना, एंजाइना। नक्सीर फूटने को हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस। दो वर्ड्स हैं, इसको हम दो वर्ड्स को हम मिला के एक पूरा वर्ड बनाएंगे, एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस। मुहासे मुंह पे जो हो जाते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्नी, एक्नी। उम्मीद है आपने आज बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे होंगे, बहुत से वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने नए सीखे होंगे। हमें ज़रूर बताइएगा आपने कौन से जो वर्ड्स हैं वो न्यू सीखे। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, आप डिफरेंट वर्ड सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के डिफरेंट सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ सीखना चाहते हैं, तो आप हमें टॉपिक बताइए, इंशाल्लाह हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।